हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत सर ऑनलाइन में। हमारी एक और चैनल है जिसका नाम है प्रशांत विद्यादानी, आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 ईस्वी में, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों ने उसमें से कुल क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को चुना है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसको जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो दूरी का मात्रक फर्मी होता है, फर्मी दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रम भी दूरी का मात्रक होता है, छोटी दूरी का। उसके बाद एंगस्ट्रम बड़ी दूरी का और माइक्रोन जो है वो छोटी दूरी का मात्रक होता है। बहुत ही छोटी दूरी को अगर मापना होता है तो हम उसको माइक्रोन के जरिए मापते हैं। तो माइक्रोन जो जिस प्रकार हम लोग मीटर सेंटीमीटर इस तरह से दूरी लेते हैं, इसी प्रकार माइक्रोन एंगस्ट्रम ये सब फर्मी भी एक प्रकार की दूरी मापने का मात्रक है। तो कहता है कि निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो स्टेरेडियन जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेरेडियन जो है घन कोण का मात्रक होता है, इसलिए स्टेरेडियन जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है, ये एक कोण का मात्रक है, एंगल का मात्रक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग समय ग्राफ, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो अगर यहाँ पे देखा जाए वेग और समय को, तो वेग समय से हमको क्या प्राप्त होगा? कोई दो चीज अगर दिया हुआ है, वेग और समय, तो हमें प्राप्त होगा विस्थापन। तो इस तरह हम देखते हैं कि वेग और समय अगर दिया हुआ है तो हमें क्या प्राप्त होगा? विस्थापन प्राप्त होगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग समय ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा विस्थापन। अगर इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि है। तो आप जान लीजिए कि सदिश और एक होता है अदिश। सदिश वो होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों से क्या मतलब है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने आपको कहा कि आप चलिए 10 किलोमीटर पूर्व आपको जाना है। तो इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि 10 किलोमीटर आप किधर चले? पूर्व की ओर चले। तो आप देख रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर जो आपको दिख रहा है, ये 10 हुआ परिमाण, इसको परिमाण बोलेंगे। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 ग्राम, यानी कि परिमाण हुआ ये। इसके बाद ये जो पूर्व दिख रहा है ये हो गया दिशा, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये दिशा होते हैं। तो ये पूर्व क्या हुआ? दिशा, यानी इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। जिसमें परिमाण भी हो दिशा भी हो उसको कहते हैं सदिश, जिसमें परिमाण हो और दिशा नहीं हो उसको कहते हैं अदिश। जैसे कि मान के चलिए मैंने कहा 10 किलो दूध, यानी कि 10 kg मिल्क, 10 किलो दूध। तो इसमें 10 किलो तो हमको दिख रहा है कि हाँ परिमाण है 10 किलो, पर इसमें इस बात से हमको दिशा नहीं पता चल रही है, यानी इसमें दिशा है ही नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अदिश। तो दो चीज़ होता है, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश और अदिश, सदिश क्या है? जिसमें कि परिमाण भी हो दिशा भी हो। अदिश क्या है? जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो, उसको बोलेंगे अदिश। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान, दूरी, चाल, बल। हमको सदिश मांगा जा रहा है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होने चाहिए। द्रव्यमान तो एक वेट हो गया, द्रव्यमान किसी भी चीज़ का वेट। तो वेट में जो है कभी भी दिशा नहीं आएगी। द्रव्यमान जैसे 10 किलो दूध, 5 किलो पानी, तो ये सब जो चीज़ होता है इसमें दिशा कहीं से नहीं आ सकती है, इसलिए ये जो है सदिश नहीं हो सकता है। दूरी, एक प्रकार की दूरी, दूरी तो दी गई है, लेकिन दूरी के साथ साथ दिशा भी दी होती तो भले ही जो है इसको सदिश मानते, तो दूरी भी नहीं। चाल, चाल यानी 10 किलोमीटर
प्रति घंटा, मान के चलिए चाल क्या होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक एग्जांपल के तौर पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 90 किलोमीटर कोई चीज़ चल रही है, तो इससे दिशा का तो पता नहीं चलता है, सिर्फ परिमाण का पता चलता है कि इतना कोई चीज़ चल रहा है। तो चाल भी, चाल में भी जो है, चाल भी सदिश नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन बल जो लगता है, बल मतलब हुआ ताकत, फोर्स, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो बल जो लगता है, बल किसी निश्चित डायरेक्शन में लगता है। मान के चलिए मैंने, मुझे बल लगाना है, फोर्स लगाना है, इस तरह से मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक निश्चित डायरेक्शन है इसकी, एक फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये बल जो होगा, ये बल कितना न्यूटन होगा, 4 न्यूटन 5 न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 4 मात्रक 5 मात्रक हम इस पर बल लगा रहे हैं, तो मात्रक भी है 4 न्यूटन 5 न्यूटन, ये क्या हुआ, मात्रक हुआ। और इसमें एक दिशा भी है कि बल जो लगा रहे हैं हम किस दिशा में लगा रहे हैं। तो बल में दोनों चीज़ शामिल है, दिशा भी है, मात्रक भी है, इस कारण से बल हो जाएगा सदिश राशि। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 20 किग्रा द्रव्यमान के एक ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक इनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा का ये सूत्र हुआ। ये फॉर्मूला क्या चीज़ का है, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। तो 20 किग्रा का द्रव्यमान है, 20 किग्रा द्रव्यमान, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ है, m इज इक्वल टू कितना, 20। 20 किग्रा द्रव्यमान, किग्रा द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, मास, मास मतलब द्रव्यमान, मतलब वजन, भार जिसको कहते हैं। तो 20 किग्रा दिया हुआ है और 2 मीटर की दूरी तक, कितना दूरी तक, 2 मीटर की दूरी तक बल कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। 20 किग्रा द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, कोई ब्लॉक मान के चलते हैं, एक गुटका, लकड़ी का गुटका, उस ब्लॉक पर, उस ब्लॉक का वेट कितना है, 20 किग्रा, और उस पर जो है 2 मीटर की दूरी तक, मतलब 2 मीटर की दूरी तक किसी ब्लॉक पे हम बल लगा रहे हैं, ये मान के चलिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, कितना कितना दूरी तक, तो ये जब तक 2 मीटर की दूरी तक चला ना चले, चले न जाए, तब तक हम इस पर फोर्स लगाते हैं। और कितना फोर्स लगाते हैं, कितना ताकत लगाते हैं इस पर, तो इस पर हम ताकत लगा रहे हैं, फोर्स कितना लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो हमको निकालना है कि हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, यानी गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें m का वैल्यू तो दिया हुआ है 20, m का वैल्यू 20 दिया हुआ है, लेकिन v का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि हमें v का वैल्यू पहले निकालना होगा। अब v का वैल्यू निकलेगा कहाँ से, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर 2as। आपको याद रखना है v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए भी इक्वल टू, ये ऊपर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2as। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, रूट अंडर 2, उसके बाद a देखिए इसका कितना दिया हुआ है 2as, यानी कि त्वरण कितना है, अगर यहाँ पे त्वरण की बात की जाए, और s यानी कि विस्थापन, विस्थापन कितना दूरी तक हो रहा है, 2 मीटर की दूरी तक विस्थापन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर की दूरी तक यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, तो s का वैल्यू पहले रख देते हैं 2। उसके बाद a क्या होता है, a होता है त्वरण। तो यहाँ पे देखिए आप, द्रव्यमान कितना इसका दिया हुआ, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान हो जाएगा ब्लॉक की गतिज ऊर्जा हमको निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं हम यहां पे, ए का मान 20 रख देते हैं, 20 किग्रा का द्रव्यमान है, 20 किग्रा का कोई वस्तु है,
और इस पे हम a का वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 20 दुना 40, 40 दुना 80, यानी कि रूट अंडर 80, रूट अंडर 80 निकल गया मेरा b का वैल्यू। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, आप सबसे पहले नोट कर लें इसके बाद इसको फिर से देखते हैं। कंफ्यूजन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसमें देखते हैं। अब F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, हमको निकालना क्या है, सबसे पहले अब निकालना है B का वैल्यू, B का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2AS। अब देखिए रूट अंडर 2, A का वैल्यू अगर हमको निकालना है, A का वैल्यू निकालना है तो A बराबर हो जाएगा फाइव बाई ट्वेंटी, यानी कि फाइव क्या है, एफ बटा एम, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। तो यहाँ पे फाइव से इसको कटाते हैं तो वन बाय फोर हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू रखना पड़ेगा 1/4, और 1/4 ए का वैल्यू रखेंगे, इसके बाद एस का वैल्यू रखेंगे, एस का वैल्यू कितना है, एस यानी कि विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है, 2 मीटर की दूरी तक विस्थापन हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 4 कट गया, कितने बार में, 2 बार में और 1 बार में, ये रूट अंडर 1 का वैल्यू हो गया 1, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा 1। आपको याद रखना है कि ए बराबर एफ बाय एम करेंगे, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास यानी कि बल बटा द्रव्यमान, तो हमारा ये त्वरण का मान निकल जाएगा एफ बाय एम। तो इस फॉर्मूले से जो है हम सबसे पहले क्या निकाल लिए, ए का वैल्यू निकाल लिए 1/4, और ए का वैल्यू निकालने के बाद हमारा बी का वैल्यू निकल गया रूट अंडर 2AS, यानी कि बी का वैल्यू निकल गया 1। अब जब हमारा बी का वैल्यू निकल गया तो बी का वैल्यू निकल जाने के बाद अब हम निकाल सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम का मान कितना है, मास, मास कितना दिया हुआ था, द्रव्यमान, यहाँ पे 20 किग्रा का कोई द्रव्यमान है। B का मान कितना निकला मेरा, B का मान निकल गया 1, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20/2, यानी 20/2, यानी कि कितना हो गया 10, यानी कि हो जाएगा 10 जूल। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 10 जूल। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना किया गया, यानी मास को 2 गुना कर दिया गया, यानी पहले अगर m था तो इस m को अब कितना कर दिया गया है, 2m, क्योंकि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया गया है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है, वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिए, m को कर दिए 2m, ठीक है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब पूछ रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने, हाफ एम का मान अब कितना लेंगे, m को 2 गुना कर दिया गया है, मतलब कि m का वैल्यू अब हो जाएगा 2m बी स्क्वायर। अब देखिए हाफ इस एम बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से,
हाफ एम बी स्क्वायर, और ये जो दो बच गया इस दो को हम आगे लगा सकते हैं, बस इस दो को निकाल के आगे लगा दीजिए। आगे लगाने से अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है, अगर m रहता, अगर गतिज ऊर्जा के लिए द्रव्यमान मेरा m रहता तो होता हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन m के बदले में जब 2m हम लिए तो 2m लेने पे हमारी गतिज ऊर्जा निकल गई 2 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर, यानी हाफ एम बी स्क्वायर कितना गुना हो गया, दो गुना हो गया। पहले कितना था, हाफ एम बी स्क्वायर, अब ये कितना हो गया, दो गुना हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब कि ये गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो गई, दो गुनी हो गई। कब हुई दो गुनी, जब हम द्रव्यमान को कितना गुना किए, दो गुना किए, तो इसका मतलब सीधा है कि द्रव्यमान को दो गुना करने पे गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा भी दो गुनी हो जाती है। याद रखना है, द्रव्यमान को गुना कर दो गुना करने पे गतिज ऊर्जा भी दो गुनी हो जाएगी। तो द्रव्यमान को दो गुना किए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई मेरी, दो गुनी, इसका सही जवाब हो जाएगा दो गुनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हीरे में प्रकाश की चाल इतना है तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा। अब देखिए, हीरे में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रकाश की चाल, 12,1000, और यह दिया हुआ है किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड से इसको पहले चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो 12,1000 किलोमीटर से मीटर में जब बदलते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसका मतलब है कि इसको 1000 से हमको करना पड़ेगा गुना, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 से गुना कर दिए, मीटर में आ गया ये 121 गुना कितने जीरो हो गए यहाँ पे, 3360, यानी कि 10 पे पावर इसको लिख सकते हैं 6। अब देखिए यहाँ पे 121 गुना 10 पे पावर 6 निकल गया, ये वैल्यू हो गया मेरा मीटर प्रति सेकेंड में, पहले था किसमें, किलोमीटर प्रति सेकेंड, उससे चेंज करके हम बना दिए इसको मीटर प्रति सेकेंड, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। अब हमको कहता है हीरे में प्रकाश की चाल है इतना तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, हमको निकालना है अपवर्तनांक का मान। अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बटा भी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा म्यू, म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ये मैट्रिक में भी दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय भी। अब देखिए यहाँ पे सी क्या है, यह है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी है, 3×10⁸, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बाय बी का मान क्या है, मीडियम में प्रकाश की चाल, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल, कौन से माध्यम में, अगर हीरा दिया हुआ है तो हीरा में, अगर कांच दिया रहता तो कांच में, हमको दिया क्या है, हमको दिया है हीरे में प्रकाश की चाल, तो यही माध्यम हुआ मेरा, माध्यम हुआ हीरा, हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल कितना निकला अभी यहाँ पे, 121×10⁶। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3×121×10⁶ है, 10⁸ है, इसको अगर कटाया जाए तो 10⁪ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 था यहाँ 8 था, तो 10⁪ बचेगा, तो गुना 10⁪, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पे इसका सही वैल्यू आ जाएगा 2.1 के आसपास, यानी 2.1 हो जाएगा इसका वैल्यू। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, आपको याद रखना है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि अपवर्तनांक हो जाएगा इसका 2.1, यानी इसके साथ हम मात्रक के रूप में कुछ नहीं लगाते, जैसे मीटर सेंटीमीटर वगैरह लगाते हैं और सब क्वेश्चन में मात्रक के रूप में, इसमें कोई मात्रक नहीं लगता है, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो यह था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, विभवांतर मतलब होता है भी 10 वोल्ट, ये आपने मैट्रिक में फिजिक्स में पढ़ा होगा,
विभवांतर यानी कि हो गया भी, भी का मान कितना है 10 वोल्ट, भी का वैल्यू हो गया 10 वोल्ट। 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, धारा का मात्रक होता है आई, धारा को आई से सूचित करते हैं, धारा मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, तो करंट को हम लोग आई से सूचित किया करते हैं। तो आई का वैल्यू हो जाएगा कितना 0.02, बी का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू दिया है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा, तो हमको निकालना है प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध को कहते हैं रेसिस्टेंस यानी कि आर, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, तो आर का वैल्यू हमको निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर, इसके लिए एक फॉर्मूला कौन सा है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर का। तो वी का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, आई का वैल्यू कितना है 0.02, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर हमको निकालना है क्योंकि प्रतिरोध हमको निकालना है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। तो कितना हो जाएगा 10/0.02 इज इक्वल टू आर, ये गुना में था इसको भाग में डाल दिए, यहाँ से एक दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से कटा देंगे, 2 × 5 = 10, यानी कि 100 × 5 कितना हो जाएगा 500 बराबर आर। कुछ नहीं किए, 0.02 गुना में था इसको भाग में ला दिए, पॉइंट उड़ाए, ऊपर 100 गया, 2 से 10 कट गया, 5 बार में 100 × 5 हो गया 500, यानी R का वैल्यू हो गया, प्रतिरोध का वैल्यू कितना हो गया, प्रतिरोध का वैल्यू हो गया 500, यानी कि 500। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा 500 कौन सा है, तो ऑप्शन डी नंबर इसका सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण DM इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा। प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डीएम बाय टू बट साइन ए बाय टू, ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, साइन ए प्लस डीएम, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ए का वैल्यू 60, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, और न्यूनतम विचलन कितना दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन यानी कि 30 डिग्री दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन दिया हुआ है 30 डिग्री, तो डीएम का वैल्यू हो जाएगा 30/2 बाय साइन ए बाय टू, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, तो 60/2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 + 30 = 90/2 बाय साइन 60 बाय टू, यानी इसको डायरेक्ट हम 90/2 को लिख सकते हैं, साइन 45 बाय साइन 60/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन कितना 30, यानी साइन 45 बाय साइन 30, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं 1/√2, ये है नीचे डिवाइड में भाग में, तो 2/1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/√2। अब यहाँ पे इसका क्या करते हैं हम, अभी तक इसका जो है ऑप्शन से मैच नहीं किया, अभी तक इसका जवाब ऑप्शन से मैच नहीं किया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कर देंगे हर परिमेयकरण, इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं, तो हो जाएगा 2√2/2 यानी कि √2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा √2, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर √2। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है,
तो ट्रांसफार्मर आपको याद रखना है अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करता है। कौन सा प्रेरण? अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही संबंध है, सही संबंध है किसके किसके बीच में? कार्य बल और विस्थापन के बीच में संबंध को बताना है। कार्य यानी W, बल यानी कि F, विस्थापन यानी कि S, इन तीनों के बीच में सही संबंध आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसका सही संबंध होता है W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर F मतलब कि बल गुना S यानी कि विस्थापन। यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे सांकेतिक रूप में, तो W बराबर F इंटू एस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं थे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर इस वीडियो में कुछ खराबी है, कुछ कमियाँ हैं, तो उसे जो है आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।